हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिस्टम प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, 8th सेमेस्टर GTU के अंदर शुरू हो चुका है और 8th सेमेस्टर के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। आज मैं अपने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ REE रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या वेटेज होगा, किस तरह से GTU के अंदर पूछा जाता है और इन फ्यूचर ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो आप देख सकते हो लेक्चर की टीचिंग स्कीम को जिस तरह से होगी, 4 लेक्चर का सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थियोरिटिकल पोर्शन आएगा और एग्जाम्पल्स आएंगे। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 70 मार्क्स एक्सटर्नल के, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स आप लोगों के मिड सेम के, फिर प्रैक्टिकल मार्क्स आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल वाइवा आप लोगों को देना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस के स्टार्टिंग के साथ। सबसे पहला चैप्टर होगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन, जो कि है सिनारियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। बेसिक सिनेरियो के बारे में आप लोगों को जानना है कि क्या क्या आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तौर पर अवेलेबल है नेचुरली, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकते हैं, उसकी कंपैरिजन होगी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो गए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी सारी एनर्जीज जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, जिसका नाम यहाँ पर दिया रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, फ्यूचर में एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के कंपेरिजन के साथ में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है, फ्यूचर में इसको आप किस तरह से और भी ज़्यादा बेनिफिशियल अपने खुद के लिए बना सकते हो, इसकी नीडिंग क्यों है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सेकेंड चैप्टर जो होगा, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका 40% तक का वेटेज है, एज यू कैन सी 22 आवर्स का टाइमिंग है। वैसे तो सोलर एनर्जी, वैसे तो सोलर एनर्जी आप सब लोग पढ़ चुके हो, अपने 5th सेमेस्टर हीट ट्रांसफर के अंदर रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और भी ज़्यादा डीप पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने रेडिएशन जियोमेट्री, सोलर रेडिएशन जियोमेट्री पढ़ी होगी, इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने आपके मैकेनिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके अंदर आ चुका है। फिर आप लोगों ने सोलर रेडिएशन के लिए जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके डिज़ाइन के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ा होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी किस तरह से कलेक्ट की जाती है, मतलब के कलेक्टर्स है, फिर उसके टाइप्स है, फिर कलेक्टर की क्या बोलते हैं एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड आउट करनी है, अलग अलग टाइप के कलेक्टर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि थर्मल एनालिसिस ऑफ लिक्विड फ्लेट प्लेट कलेक्टर, एयर हीटर एंड सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर, सोलर एनर्जी थर्मल स्टोरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। लास्ट में फोटोवोल्टिक सेल फॉर पावर जनरेशन, सोलर सेल मॉड्यूल्स एंड एरे, सोलर सेल टाइप, मटेरियल एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सोलर सेल जो आप लोग बेसिकली पढ़ते थे, जिसको हम लोग हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में दूसरी तरीके से सोलर पैनल भी कहते हैं, ठीक है, तो सोलर पैनल के बारे में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर GTU के अंदर एटलीस्ट 14 to 16 मार्क्स के वेटेज वाला है। इस चैप्टर के अंदर से आप लोगों को कम से कम 20 से 22 थियरी करनी है और उसमें से एटलीस्ट 3 से 4 थियरी अटके आने के पूरे पूरे चांसेस है। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर लेंथी भी है और समझने लायक भी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सोलर कुकर आप लोग पढ़ चुके हो, सोलर स्टील, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सोलर पॉन्ड बराबर, सोलर फर्नेस, हेलियोस्टेट और सोलर फर्नेस तो चलो ठीक है, सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग थोड़ा हमारे लिए नया होगा। सोलर स्टील, सोलर कुकर और सोलर पॉन्ड, ये 3 चीज़ आप लोग स्कूल में भी पढ़ते थे और हो सकता है शायद अपने इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में कहीं पर आप लोगों को किसी फैकल्टी ने समझाया हो। नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का विंड एनर्जी। तो अगेन विंड एनर्जी बेसिक कंसेप्ट के साथ में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना होगा, विंड एनर्जी के टाइप पढ़ना है, कन्वर्जन सिस्टम पढ़ना है, इफेक्ट पढ़नी है, एंगल ऑफ अटैक, विंड स्पीड, विंड मिल रोटर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रोटर्स, ड्रैग एंड लिफ्ट, टॉर्क, पावर कोएफिशिएंट, टिप स्पीड रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब नंबर ऑफ थियरीज है, परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है। एक थियरी आएगी वेलोसिटी के बेस पर, मैक्सिमम वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, वो इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 22% का वेटेज इस चैप्टर का भी,
तो 22% के हिसाब से इसमें भी आप लोगों को आराम से एटलीस्ट 14 to 16 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो विंड एनर्जी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। नेक्स्ट होगा बायो एनर्जी। बायो एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हो, बायोगैस प्लांट क्या होता है, किस तरह से जनरेट किया जाता है, क्या क्या इसके टाइप है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, बराबर, गैसिफिकेशन क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ चुके हो। द सेम थिंग विल बी रिवाइज्ड इन दिस चैप्टर इवन ऑल्सो। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर होगा। उससे भी इजी चैप्टर होगा ओशियन एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, OTEC। इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स किस तरह से होती है वो पढ़ेंगे, साइट रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिंगल एंड डबल बेसिन प्लांट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। चैप्टर का वेटेज होगा एटलीस्ट 7 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर में से सिर्फ दो थियोरी पूछी जाती है, 4 या 3 मार्क्स में या तो फिर 7 मार्क्स में, बहुत ही ईजी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट, इसी के अंदर जियो थर्मल। जियो थर्मल मतलब ज़मीन के अंदर हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेपर एंड लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम, बाइनरी साइकिल, हॉट ड्राई रॉक रिसोर्सेज, मैग्मा रिसोर्सेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, हार्डली 1 या 2 लेक्चर का काम है। इसके अंदर भी आपको बेसिक थियरी पढ़नी है। MHD, MHD का मतलब होता है मैग्नेटो हाइड्रोडाइनामिक। ये चीज़ आप लोग अपने स्कूल में या तो फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे कि मैग्नेट का यूज़ करके किस तरह से आप लोग पावर जनरेशन कर सकते हो। तो उसका कंसेप्ट और वर्किंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। जियो थर्मल और MHD दोनों के दोनों या तो एक दूसरे के और में होते हैं या तो फिर एक दूसरे के साथ में होते हैं। मतलब आप लोगों के पेपर्स के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन 4 ABC के और में पूरा क्वेश्चन 4 ABC है, तो या तो ये दोनों और में होगा एक दूसरे के, या तो फिर एक ही क्वेश्चन के अंदर, मतलब कि क्वेश्चन 4 ABC के अंदर ही पूछा जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों के दोनों। इन दोनों में से एटलीस्ट 3 3 या 4 4 मार्क्स की एक एक थ्योरी आप लोगों को पूछी जा सकती है। तो इसको आप लोगों को करना है, स्किप नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब कि क्या क्या कॉस्टिंग आप लोगों की बैठेगी, इनिशियल एंड फाइनल कॉस्ट क्या होगी, बेसिक डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेशन, मतलब जब आप कोई सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंटली आप लोगों की क्या वैल्यू बनेगी, उसको डेवलप करने के लिए कितना कॉस्टिंग आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर जो भी डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हो पावर प्लांट का, उसको उसके लिए जो भी लोन लोगे उसकी रीपेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स और एनुअल सेविंग्स के साथ किस तरह से करोगे आप, क्यूम्युलेटिव सेविंग क्या होगी, लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या होगी, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एडम सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के लिए क्या होगी, पे बैक पीरियड क्या होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक एनालिसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और इकोनॉमिक एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन जिसमें से आप लोगों को 3 या 4 डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दोस्तों ये चैप्टर 18% वेटेज यानी कि GTU के अंदर एटलीस्ट 10 मार्क्स का है, मोस्ट IMP चैप्टर है, आप लोगों को इसको करना ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आप लोगों को इसके अंदर मॉडल्स बनाने हैं, वर्किंग मॉडल आप लोग बना सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल आप लोग बना सकते हो, जैसे कि सोलर वाटर हीटर है, सोलर एयर हीटर है, पायरेनोमीटर है, पिरेलियोमीटर है, सोलर PV सिस्टम है, विंड मिल है, बायोगैस प्लांट है, गैसीफायर है, सोलर कुकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव रूप में इक्विपमेंट के तौर पर एज अ प्रोजेक्ट या तो सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट जिसको आप बोल सकते हो सबमिट करवाना होगा। अगर आप लोगों को बुक रिफ़र करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग करो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, शोभना सिंह पियर्सन इंडिया। ये बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर दूसरी कोई बुक करनी हो तो सोलर एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ थर्मल कलेक्शन एंड स्टोरेज, ये भी आप लोग कर सकते हो। वैसे तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए। और एक्टिव लर्निंग असाइनमेंट्स के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क पर जो मैंने बोला पर बनाना है, डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल्स वो आएंगे और असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये था REE रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के सिलेबस के इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में और भी डिटेल में जानना हो, मतलब कुछ समझना हो कि क्या पूछा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।